नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन काउंट हॉर्स लवर्स। दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार की येवला मंडी जो 2020 की हुई, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे घोड़े बेचने के लिए व्यापारी और किसानों ने लाए थे। जैसे कि पिछले कई महीनों से कोरोना के महामारी की वजह से बहुत से घोड़े वालों को अपना घोड़े का जो व्यवसाय रहता है, जैसे खरीदी बिक्री हो, शादी ब्याह हो और अन्य जो भी छोटे मोटे काम जो घोड़े के बलबूते पर छोटे छोटे अश्वपालक करते हैं और उनसे जो अपना घर चलाते हैं, लेकिन कोरोना के वजह से और शादी ब्याह और मंडी के बंद होने के कारण काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े अभी इस मंडी में बेचने के लिए आए हैं। लेकिन इस मंडी में ज़्यादातर शादी ब्याह के घोड़े ज़्यादा बेचे जाते हैं, लेकिन इस बार यह मंडी बहुत ही शांत दिखी। सवेरे से हम इस मंडी में काफ़ी शूटिंग की, वीडियो निकाले और अच्छे अच्छे घोड़ों के बारे में जानकारी भी ली, लेकिन दोपहर होते होते सिर्फ जो छोटे बच्चे थे, यानी घोड़ों के छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे 6 महीने से लेके 1 साल तक, उतने ही 20 से 25 उतने ही बेचे गए। इसका एक ही कारण था, क्योंकि बीच में जो लॉकडाउन पड़ा था, उस लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपने जो भी पैसे थे, जो बचे कुचे पैसे घोड़ों के खाने में, दाने में लगा दिए। और अभी फ़िलहाल में शादी ब्याह का भी सीज़न बहुत ही कम चल रहा है, तो इसी के कारण लोग अभी घोड़े परचेस करने में थोड़ा सा आगे पीछे देख रहे हैं कि महंगे घोड़े लेंगे और आगे भी अगर कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति रही या शादियां कम रही या शादियों में नए कुछ नियम आ गए तो घोड़े को कहाँ से खिलाया जाए। आप जो सामने देख रहे हुए ये जो नुकरा घोड़ा है, जो का जिसका माप है 64 इंच, बाल भौरी का पूरा साफ घोड़ा था, लेकिन इतना शानदार घोड़ा होने के बावजूद भी ये घोड़ा सेल हो चुका नहीं। इसका एक ही कारण था, क्योंकि इसकी मालिक ने जो प्राइस रखी थी वो उन्हें वाजिब नहीं मिली, इसलिए वो फिर से घर लेके गए। लेकिन ये घोड़ा घर जाने के बाद में 3 से 4 ही दिन में वहाँ से फिर से एक बार सेल हो चुका। लेकिन मंडी में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे घोड़े थे जो सेल ना हो चुके। तो दोस्तों, इस बार की जो येवला मंडी रही वो सामान्य रही, ज़्यादा कुछ खरीदी बिक्री हुई नहीं, सिर्फ बच्चे ही बेचे गए। तो इस बार की मंडी हल्की रही। अभी आगे जो मंडियाँ आएंगी, जैसे शिरपुर है, अकलूज है और सारंगखेड़ा है, इसके बारे में अभी तक तो कोई ऑफिशियली जानकारी कैसी आई नहीं है। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि येवला मंडी कब लगती है। तो येवला मंडी हर मंगलवार को हमेशा भरती है, जैसे हर मंगलवार में वहाँ पे 50-60 घोड़े खरीदी बेचने के लिए आती है। लेकिन जो दशहरे का बाज़ार रहता है, जो नवरात्र में जो दशहरा आती है, उसमें जो बाज़ार घोड़ा मंडी भरती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन इस बार के लॉकडाउन के वजह से और कोरोना के वजह से यहाँ पे सिर्फ 250 से 300 ही घोड़े आए थे, और सभी जाति के घोड़े यहाँ पे आते भी है। तो अभी जो मंडी फिर से हर मंगलवार में रेगुलर भरती है, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि मंडी कब लगती है। तो मंडी हर मंगलवार को आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो बाज़ार रहता है और सबसे ज़्यादा घोड़े तभी आते हैं जब ये दशहरा बाज़ार रहता है। तो जैसे कि हर मंगलवार में येवला मंडी में बच्चे या काठियावाड़ी ब्रीड के अच्छे अच्छे घोड़े भी आते हैं, और अच्छे अच्छे व्यापारी कुछ गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान से अच्छे घोड़े भी लाते हैं। तो हर मंगलवार में येवला मंडी भरती है, आप लोग जा सकते हो येवला मंडी में और अपने अच्छे जानवर वहाँ पे बेच भी सकते हो और अच्छे घोड़े वहाँ से ले भी सकते हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर कहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।